जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, सीटेट का आपका पेपर हो गया, आंसर की आ गया। आई होप कि आपने आंसर की मैच करा लिया होगा और आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हैं। हम दोस्तों, आपके जो भी सीटेट का पेपर हुआ है उसमें जो मैथ्स के न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट 2 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें जो पेपर 1 में न्यूमेरिकल प्रश्न दिए गए थे मैथ में, उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2 फरवरी की सीटेट पेपर 1 के मैथ्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके 2 फरवरी को सीटेट के पेपर 1 में पूछा गया था, प्रश्न क्या था कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पे होगी? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस व्हेन द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। बड़ा अच्छा सा सवाल था, बेसिक सा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी था क्योंकि पॉइंट्स में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं और गलती कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती नहीं करना है, हमें पहले सबसे छोटा देखना है क्योंकि छोटे से बढ़ते हुए क्रम में जाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा क्या है आप देखेंगे, सब 8 की वैल्यूज में दी गई है। एक संख्या यहाँ पे है 0.88। ये 0.88 क्या है, एक से भी कम है, सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा हो गया, सबसे छोटा हो गया 0.88, ठीक है, सबसे छोटा हमारा 0.88 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, 8.008, ये दूसरे नंबर पे होगा 8.008। तो हम इसको साथ ही साथ यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, ये हमारा हो गया 1 नंबर पे, ये हमारा हो गया 2 नंबर पे। इसके बाद उसके इससे बड़ा कौन सा है, इसके बाद इससे बड़ा है ये देखिए, ये 8.80 है, 8.08। तो यहाँ के बाद सबसे जो छोटा होगा बच्चों वो होगा 8.08, यानी कि तीसरे नंबर पे होगा 8.08। और पूछ भी रहा था कि थर्ड प्लेस पे कौन होगा, तीसरे स्थान पे कौन होगा, तो आपका 8.08 ही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से प्रश्न पूछा था। अगर बच्चों आपका 2 फरवरी को पेपर नहीं था, किसी और दिन था, तो कमेंट में बताइए कि कौन से दिन का आपका एग्ज़ाम था, ताकि हम उसके भी मैथ को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं 2 फरवरी के मैथ के दूसरे सवाल को। बड़ा बेसिक सा सवाल था, कह रहा था इसको सिंपलीफाई कर दीजिए। अब सिंपलीफाई बिल्कुल वही बडमास फॉर्मूला लगा दीजिए, बाकी हिंदी मीडियम में हमने तो ऐसे पढ़ा था, काकू पहले काटिए ता पीछे दो भाग। तो इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35 / 5 मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 16.5 × 3, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 49.5, ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5। अब यहाँ पे देखिए 49.5 और 40.5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 9 - 7 = 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 2, जो कि विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार के बेसिक से सवाल आए थे, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, 2 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था मैथ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, जी हाँ स्पेशली आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैथ के आपने सारे सवाल सही कर लिए होंगे। अगला प्रश्न क्या था, 2/5 + 3/5, 2/5 + 3/5, इसको बेसिक सा मतलब छोटा बच्चा आपके, अगर आपके कोई अगर भाई हो छोटा बच्चा तो वो भी कर सकता है आसानी से, बहुत बेसिक सा था। 2/5 + इसको आप क्या करेंगे, 5 और 4 कैल्शियम आपने 20 ले लिया, और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 = 8 और +5 = 3, 5 = 15, मतलब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 15 + 8 = 23, 23/20 आपका सही जवाब आ जाएगा। तो आप देखेंगे 23/20 कहीं नहीं दिया है, लेकिन मिक्स फ्रिक्शन में यहाँ पे मिश्रित भिन्न में दिया है, 1:3/20, 1:3:20, इसका भी मतलब यही होता है कि 23/20, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 30, 23/20, यानी कि ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखिए बहुत आपके आपके सीटेट का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ का लेवल कैसा था, ये तो अच्छा था, थोड़ा सा ट्रिकी है बट उतना टफ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिन बच्चों ने 2 फरवरी को मैथ दिया होगा आसानी से कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा। अब यहाँ पे आइए, एक बाग में आम के वृक्षों की संख्या सभी वृक्षों की संख्या के 1/5 भाग है। अच्छा, आधे वृक्ष अशोक के हैं, यहाँ पे कह रहा है कि आधे जो वृक्ष हैं वो अशोक के हैं, ओके अच्छी बात है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष नीम के हैं, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 12 है तो बाग में आमों की संख्या बताइए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, कह रहा है कि एक बाग में टोटल कुछ पेड़ है, मान लेते हैं हम टोटल पेड़ एक्स है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि
एक बटे पाँच आम है, यानी कि एक्स बटे पाँच क्या है, आम है। आधे अशोक हैं, आधे अशोक का मतलब एक्स का आधा, आधे अशोक है। और कह रहा है शेष नीम मतलब 12 नीम है, दिया भी है 12 नीम है, ठीक है। इस प्रकार से ये सबको जोड़ेंगे तो टोटल एक्स होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके टोटल पेड़ निकल जाएंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो एक्स की वैल्यू मैं सॉल्व कर दूँ या फिर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, इन दोनों की अगर एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 7x/10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू एक्स। इसको बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 40। ये आपके टोटल पेड़ हो गए 40। अब कह रहा है कि आम के पेड़, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि आम के कितने पेड़ थे। तो आम के पेड़ दिया है टोटल पेड़ का 1/5, यानी कि 40 का 1/5 आम का पेड़ था। तो यानी कि टोटल आपके 8 आम के पेड़ थे। इस प्रकार का सवाल था, आसानी से कर लिए होंगे बच्चों, ठीक है। आपने कर लिया था, चलिए बहुत अच्छे, आप तो बहुत अच्छे बच्चे, आपने कर लिया होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत मज़ेदार प्रश्न है। ये कह रहा है बच्चों कि एक ए बी सी के पेन क्रमशः 5, 6 और 12 की पैकेट में, अच्छा मतलब एक जो पेन है ये एक पेन एक पैकेट में 12 पेन है, ओके। बी सॉरी ए में 5 पेन है, सॉरी यहाँ पे ए में कितने पेन पेन है बच्चों, 5 पेन। बी में कितने पेन है, बी में है 6 पेन। और सी में कितने हैं, सी के पैकेट में 12 पेन है, 12 पेन है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको समान संख्या में पेन खरीदनी है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, इसका जो एलसीएम होता है उतने पेन खरीद लेते हैं। इसका एलसीएम 60 होगा। आप ऐसा करिए, सबके 60 पेन खरीद लीजिए। तो अगर ए के 60 पेन खरीदेंगे, एक पैकेट में 5 है, तो टोटल कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, ए के आपको 12 पैकेट खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। ए के 12 पैकेट, और बी के आपको खरीदने पड़ेंगे, 6 है 60 खरीदने हैं तो बी के 10 पैकेट खरीद लीजिए, और सी के 5 पैकेट। यानी कि ए बारह बी 10 और सी कितने बच्चों, सी आप खरीद लीजिए 5, 12, 5, 60। तो A12, B10, C5 इस प्रकार का ये वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रही ना, इसमें जितने भी पैकेट है उसका एलसीएम ले लेना है, 60-60 पेन सब खरीद लीजिए, बाकी आपका ये वाला आंसर ऐसे ही आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न थोड़ा सा न्यूमेरिकल था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 20 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है। क्या 20 दिन में जितने मिनट होते हैं 5 घंटे में उतने सेकंड होते हैं, या फिर 6 घंटे में उतने सेकंड होते हैं, या 7 घंटे में उतने सेकंड होते हैं, 8 घंटे में उतने सेकंड होते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि 20 दिन में मिनट कितने होंगे। तो 20 दिन में 20 × 24, ठीक है, 20 दिन मतलब 20 × 24, और हमें मिनट निकालना है। तो 24 घंटा और फिर 60 मिनट, मतलब 20 दिन में हमारे इतने मिनट हो जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू मान लेते हैं एक्स घंटा, एक्स घंटे में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, एक्स घंटे में घंटा इंटू सेकेंड, आर्स इंटू सेकेंड, यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 60 से 60 ऐसे कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ओके। ये 6 × 4 = 24 हो जाएगा, यानी कि आपका जो वैल्यू वो होगा, एक्स की वैल्यू होगी वो 4 × 8, मतलब एक्स की वैल्यू 8 होगी, मतलब आपके 8 घंटे। यानी कि 20 दिनों में जितने मिनट होंगे ना 20 दिन में, उतने ही 8 घंटे में सेकंड होते हैं। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, 8 घंटे। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत आसान है। 20 दिन में कितने मिनट होंगे भैया, 20 दिन में एक दिन में 24 घंटे, 24 मिनट में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट। तो 20 × 24 × 60 कर लीजिए, और उतना ही यहाँ घंटों की कर लीजिए इक्वल, निकल जाएगा आपका आंसर, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न थोड़ा काजू बादाम है, काजू बादाम भी खाना चाहिए, अच्छी बात। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार ने 5 किलो और 100 ग्राम बादाम दिए। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं केजी, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों केजी, यहाँ पे हमने केजी लिख दिया, यहाँ पे हमने ग्राम लिख दिया, अच्छी बात की। अब कह रहा है कि आपके बादाम कितने हैं भैया, बादाम है 5 kg 100 ग्राम, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि 1900 ग्राम किशमिश, मतलब 1900 का मतलब 1 किलो 900 ग्राम, 1 किलो 900 ग्राम आपके किशमिश है, और 2 किलो 600 ग्राम काजू है, 2 किलो 600 ग्राम काजू है। अब ये कह रहा है कि इन काजू सबको मिक्स कर दिया, और उसको 4 दर्जन पैकेट में, उसको डिवाइड कितना इक्वली 4 डजन पैकेट, 4 दर्जन पैकेट में बांट दिया है। तो एक पैकेट में कितना वेट होगा, तो पहले देखते हैं कि इस पूरे को मिक्स करेंगे तो इसका टोटल वेट कितना आएगा। तो 5 kg, 1 6 kg और 2 8 kg यहाँ हो गया,
और 900 ग्राम और 100 ग्राम, 1000 ग्राम यानी कि 8 × 9 केजी। टोटल हमारा जो वेट था बच्चों, टोटल हमारा वेट होगा 9 केजी और 600 ग्राम। और आपको टोटल कितने पैकेट बनाने हैं, 4 दर्जन। 4 दर्जन मतलब 4 डजन इज इक्वल्स टू 4 × 12, यही तो हुआ 4 डजन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12 × 8 = 96। ठीक है, 12 × 8 = 96, 800, और 4 से कट कर दीजिए यानी कि टोटल आपके 200 पैकेट बनेंगे। कितने बच्चों, 200 ग्राम्स। एक पैकेट का वेट कितना होगा, 200 ग्राम। आंसर बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए कैसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, ये मतलब थोड़ा सा अच्छा प्रश्न मुझे लगा। नेक्स्ट प्रश्न अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बच्चों, 16 लीटर धारिता वाली बाल्टी को पूर्ण रूप से दूध, मतलब एक बाल्टी है ये 16 लीटर का है, 16 लीटर कह लीजिए या फिर 16000 ml कह लीजिए, बात तो एक ही हुई। ठीक है, 16000 ml। अब कह रहा है कि इसको छोटे छोटे बर्तनों में भरना है, बाल्टी से भरे समस्त दूध को 40 बार एक छोटे 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 बर्तनों से स्थान के तो मग, छोटे मग से। अब देखिए कह रहा है कि 16000 हमारे पास 16000 ml टोटल दूध था। ठीक है, और इसको एक मग से 40 बार में हटा लिया जाता है, तो उस मग का उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसकी धारिता कितनी होगी, तो निकाल लेते हैं ना उसकी कैपेसिटी। डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 400 ml। बहुत अच्छा, बहुत आसान सा सवाल, 400 ml, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि 120 सेंटीमीटर लंबे वायर को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया, समबाहु त्रिभुज की भुजा। उफ, बहुत अच्छा, क्या बात है। 120 मीटर वायर को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है, और समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि उसको तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब एक तार जिसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर थी, उसको तीन बार में डिवाइड कर दीजिए, काम खत्म। क्योंकि तीनों बराबर है ना, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, 40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तार को समबाहु त्रिभुज बना दिया गया, समबाहु की क्वालिटी होती है कि तीनों जो साइड्स होते हैं बराबर होते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 120 का 40 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 40 विकल्प नंबर 2 दिया है, बहुत अच्छा, यही तो सवाल था मैथ का, कैसे घबरा गए आप, हाँ ऐसा नहीं करते। अगला प्रश्न कह रहा है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला, सभी वर्ग आयत होते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट सही है, कैसे सही है, सभी वर्ग, मान लीजिए सब एक वर्ग बनाइए, क्या इस स्क्वायर के अंदर, वर्ग मतलब स्क्वायर के अंदर आयत की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो स्क्वायर के भी सारे एंगल 90 होते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो स्क्वायर में भी सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि हर एक वर्ग जो है वो आयत होता है, तो आपका विकल्प नंबर 1 ही सही हो जाता है। अगर हम नीचे और की विकल्प, सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग है, समांतर चतुर्भुज में जैसे जो भी सभी समांतर जो चतुर्भुज होते हैं ना, इसका ये एंगल 90 नहीं होता, जबकि वर्ग का स्क्वायर का एंगल 90 होता है, इसलिए ये वाला विकल्प नहीं होगा। सभी आयत वर्ग भी नहीं होते, क्योंकि आयत में है, आयत की ये कंडीशन नहीं है कि चारों भुजाएं बराबर हो, सामने की तो बराबर है लेकिन चारों नहीं है, लेकिन जबकि वर्ग क्या है कि चारों बराबर हो, तो इसलिए ये वाला विकल्प भी गलत होगा। और सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की भी बात वही है, समचतुर्भुज में चारों साइड्स बराबर होते हैं लेकिन ये 90 नहीं होता। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो 1 नंबर का आंसर होगा, यही सही होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर, ये देखिए ये क्या प्रश्न है, ये देखिए ये थोड़ा सा कैसे, देखिए नंबर्स ऑफ डिग्री इन 3 1/3 राइट एंगल्स, नंबर्स ऑफ डिग्री इन 3 1/3 राइट एंगल्स। अब बताइए, कह रहा है कि 3 1/3 समकोणों में डिग्री की संख्या, पहले 3 समकोण में कितने डिग्री होंगे, 3 समकोण में कितने डिग्री होंगे, आपको पता है 1 समकोण में 90, तो 3 समकोण में कितना, 270। ठीक है, 270 कह रहा है, 3 1/3, 1/3 समकोण का मतलब 90/3, तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो 270 और 30 ये टोटल कितने होंगे बच्चों, कोई बहुत मुश्किल सवाल था, बहुत भारी सवाल था, बिल्कुल भारी सवाल तो नहीं था, 300 सही जवाब हो जाएगा इसका, क्या ही दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
45 नंबर प्रश्न देखिए, ये कैसे प्रश्न पूछा था। दो दो के बाद चार, मतलब दो से गुणा कर दिया गया, चार के बाद 12, मतलब तीन से गुणा किया, 12 के बाद 48, 48 मतलब चार से, फिर 48 के बाद दो से चार मतलब पाँच से। आप देखे देंगे पहले में दो से गुणा हुई, उसके बाद तीन से, फिर चार से, फिर पाँच से, तो लास्ट वाले में छः से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो अगर 240 को आप 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 6, 4 या 24 का 4 कैरी 2, 6, 2 या 12 यानी कि 40, 1440 का ही विकल्प में है। आंख बंद करके मार दीजिए विकल्प नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा कर दिया होगा, बहुत अच्छा। चलिए समझ में आना, बहुत बेसिक था ये, तो बच्चे कर लिए होंगे आपने, ठीक है। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बच्चों 18 श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई नीचे दी गई है, द वीकली अर्निंग ऑफ द 18 वर्कर्स आर गिवन बिलो, नीचे दी गई है। अब आपको बताना है कि कितने श्रमिकों की साप्ताहिक कमाई 3500 से अधिक और 3750 से कम है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी क्या बस गिनना है और कुछ नहीं। आपको बताना है कि 3500 से अधिक और 3750 से कम है, देखते हैं 3500 से अधिक कौन सा है, 3720 जी हाँ ये 3500 से अधिक है और 3750 से कम है, 2740 नहीं है, 2740 तो ऑलरेडी 3500 से कम है, 3640 जी हाँ 3640 भी जो है वो 3500 से अधिक है और 3750 से कम है, 3380 नहीं है, 3735 जी हाँ 3735 भी है, 29 नहीं होगा, 3630 जी हाँ 3630 भी 3500 से अधिक है और 3750 से कम है, 3790 नहीं क्योंकि 3750 से अधिक हो जाएगा, 3710 जी हाँ 3710 होगा, 3220 नहीं होगा, 3650 होगा जी हाँ बिल्कुल होगा, 3840 नहीं होगा, 3434 नहीं होगा, ये 3850 भी नहीं होगा, 3580 होगा और यहाँ पे 3520 भी होगा। तो टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 ऐसे वर्कर हैं, इसमें क्या दिक्कत थी, टोटल 8 ऐसे वर्कर हैं जिनकी सैलरी 3500 से अधिक है और 3750 से कम है, बस गिनना तो था बच्चों, क्या था सवाल में, कुछ नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान की निम्न बिक्री दी गई है। अब आपको इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसमें ये बताना है। तो इसमें देखिए, चलिए यहाँ पे पहला क्या, नीचे से देखते हैं, नीचे से द टोटल सेल्स ऑफ बिस्किट्स एंड द ब्रेड इज हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ केक एंड पेस्ट्री। अच्छा, ब्रेड और बिस्किट की जो टोटल सेल है ना वो केक पेस्ट्री की आती है, तो केक और पेस्ट्री की सेल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो केक और पेस्ट्री की सेल कितनी है बच्चों, केक पेस्ट्री की सेल 8000 है, 8000 है, ठीक है। तो कह रहा है कि 8000 है और 8000 की आधी है ब्रेड और बिस्किट की सेल, तो 8000 की आधी 4000, 8000 की आधी 4000, क्या ब्रेड और बिस्किट की सेल मिला के 4000 होती है, तो 1800 प्लस 2600 करेंगे तो हो जाएगा 4400, जो कि गलत है, यानी कि आपका चौथा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, गलत है। तो चौथा स्टेटमेंट ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें निकालना था कौन सा सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, द फोर्थ वन इज नॉट ट्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथ्स क्वेश्चन ऑफ 2 फरवरी पेपर 1 सीटेट 2023। तो ये रहा बच्चों 2023 के मैथ्स के क्वेश्चन जो कि 2 फरवरी को पूछे गए थे। आपका अगर 2 फरवरी को होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर समय लेंगे या फिर नर्वस नहीं होंगे तो इस 15 सवालों में से कोई ऐसा सवाल नहीं था जो कि आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2 फरवरी को देने वाले मैथ्स के पेपर के सारे बच्चों ने आसानी से कर लिया हुआ। बाकी आपका कौन से दिन एग्ज़ाम था कमेंट में मुझे बताइए, मैं उस पेपर को रिव्यू कर दूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। और अगर आपका 2 फरवरी को था तो बताइए आप कितने सही होंगे, उम्मीद करते हैं सारे सही होंगे। इसी प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे पास, तो जो भी रिसोर्सेज है मैं उसी में कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ पढ़ा सकूं, बता सकूं। जैसे जैसे चीज़ें सही होंगी बेहतर होंगी और बेहतर से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपका कौन से दिन पेपर था कमेंट में बता दीजिए, बाकी बता दीजिए कौन से दिन का पेपर बताना है मैथ्स को, मैं सॉल्व कर दूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य पेपर रिव्यू के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।